हेलो उत्तरायण फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो नोबल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कमेंट करके बता देना। किसी ने कहा था कि ये एल्यूजन की जर्नी कब तक चलने वाली है। अभी तो लंबी चलने वाली है भाई, अभी इनर कोर में आया है, कोर सेंटर के अंदर इंटर होगा, प्राइजेस लेना है, अभी बहुतों को पेलना है, बहुतों से दोस्ती करनी है। साथ ही साथ किसी का क्वेश्चन था काइलेन कब आएगी, 700 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मुश्किल से 150 to 200 चैप्टर्स के बाद काइलेन मिल जाएगी, तो इंतजार कर लो बे काइलेन का। और वैसे भी काइलेन में तुम लोगों को क्या इंटरेस्ट आ रहा है, इतनी सारी लड़कियां हैं, तुमको अब भी काइलेन ही क्यों चाहिए। मतलब इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो लेकिन चाहिए इनको फिर भी, बजा हुआ ढोल है। खैर छोड़ो, काइलेन का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ, आएगी आएगी और जियान की लंका लगाएगी, चिंता मत करना। तो पिछला एपिसोड में बता देता हूँ, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियान एल्यूजन के सेंटर में एंटर हुआ था, लोगों से लूटपाट की थी और इसके बाद लोगों की घेराबंदी से बचने के लिए रात में ये लोग भाग गए होते हैं। भागने के बाद हमको अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया था जहाँ पे इनके सामने होता है लाइफ फ्रूट का ट्री। फ्रूट ऑफ लाइफ को देखकर तो जियान का लालच लपलपो होने लगता है, कहे कि भाई चाहिए ना यार, जिंदगी भर यंग रखने की पिल जो इसी से बनने वाली थी, उस पिल का नाम क्या है कमेंट कर देना, अभी क्या भी कमेंट करो उस पिल का नाम, पता तो चले कितने ध्यान से नोवेल सुनते हो। जिसके बाद जियान वादा करता है कि ये पिल तुमको भी दूंगा, तुमको भी दूंगा, तुमको दूंगा, तुम्हारी बाली को भी दूंगा और अपनी घरवाली को भी दूंगा। हालांकि इन सभी चीजों के निपटने के बाद जैसे ही जियान उन फ्रूट्स को तोड़ने के लिए जाने वाला था, उसे फील होता है कि यहाँ पे है एक मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर भैया जियान को देख के कहते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, और इनके बीच स्टार्ट होती है बैटल। जियान प्लान बनाता है कि मॉन्स्टर से मैं लड़ूंगा, तुम लोग फ्रूट तोड़कर यहाँ से निकल पड़ना, जिसके बाद मैं भी भाग आऊंगा। पर ऐसा नहीं होता, फ्रूट तोड़ने के बाद ये लोग मॉन्स्टर और जियान की फाइट देखने लगते हैं, जिसमें मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, जियान मॉन्स्टर को मार देता है, मार क्या देता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है, जिसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही इन्हें एक मैप का टुकड़ा मिल गया था, जिसके बाद जिंगबुचेन जियान से पूछता भाई तेरी टेक्निक की रैंक क्या है, जिसपे जियान कहता मुझे नहीं पता, शायद हाफ होली रैंक हो सकती है। और उसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जेस्ट वही से, जो यान की बात सुनकर कि उसका जो टेक्निक है होली रैंक है, जिंगबुचेन तो लगभग चक्कर खा जाता है। तभी लौंगी बेचारे को जमीन में गिरने से बचाता है और दो थप्पड़ जमाता है ताकि बंदा होश में आ जाए, जिसके बाद जिंगबुचेन अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हुए जो यान की तरफ देखते हुए कहता है जो यान क्या तुम डूजियान को जानते हो, क्या तुम्हें पता है हाफ होली रैंक के बैटल स्किल कितने हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर, और अगर मैं बता दूं तो ये लगभग ना के बराबर है, और वास्तव में आपके पास दो अटैक हैं और उसमें से भी एक सोल अटैक। जिसके बाद जिंगबुचेन खुद को शांत करते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन ये वास्तव में डरावना है। खैर ये सिर्फ एक लक है और आप सच में काफी लकी हैं। और ये देखकर कि जिंगबुचेन की जो प्रतिक्रिया थी इतनी ज्यादा तेज थी, जो यान भी हैरान हो जाता है कि सच में कोई बड़ी बात हो गई क्या। वो क्या है ना भाई लोग, अपने ठरकी को हर चीज काफी इजीली मिल गई, यूनर मिल गई, काइलेन मिल गई, तो इस बंदे को हर एक चीज आलू टमाटर नहीं टमाटर नहीं आलू और क्या सस्ता है भट्टा मान लो लग रहा है। वरना कीमत उनसे पूछो जो यूनर को जिंदगी भर चाहता था, या फिर उससे पूछो जो अखंड सिंगल हो। वैसे जिनके पास कभी भी होली रैंक की बैटल स्किल नहीं थी, उसे ही पता है कि इसकी कीमत क्या है। जियान कहता है बस मैं थोड़ा सा लकी था और लकीली मुझे ये सब मिल गई, और थोड़ा सा जियान एम्बैरेस्ड भी होता है, जो देखकर जिंगबुचेन कहता है लक वो भी हाफ होली रैंक टेक्निक के लिए, वास्तव में ये माना जा सकता है, लेकिन जियान मैं बेवकूफ नहीं हूँ, लक एक बार साथ दे तो कहा जा सकता है कि लकीली मिल गई, दो दो बार क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, यहाँ तक कि मैं अपनी आधी जिंदगी भी बिता दूं तो भी शायद ऐसा लग मुझे एक बार भी ना मिले। अब तो वास्तव में कोई सरप्राइज नहीं कि आप डेन बिंगयांग जेन जियान जैसे पावरफुल लोगों को हरा पाए, 6-star बीस्ट की वाट लगा दी, आपके पास वास्तव में इतना पावरफुल फाउंडेशन जो है। और यहाँ पे तो मेरा दम घुट जाएगा अगर मैं अब भी ये कहूँ कि मैं तुमसे पावरफुल हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ तो मैं एक दिन जरूर इस डाउडी कॉन्टिनेंट के पीक पर खड़े होंगे। जियान जिंगबुचेन को जब इतना ज्यादा अग्रेसिव और एक्साइटेड देखता है तो वो बाकी के सीक्रेट यहाँ पे नहीं बताता, क्योंकि जो यान को डर था कहीं ये बंदा खून की उल्टियां ना करने लगे उसके सीक्रेट जानने के बाद कि उसके पास मॉन्स्टर ब्लड और डायमंड ब्लड है। साथ ही जियान ने तो इसे अब तक ये भी नहीं बताया था कि उसके पास जो कल्टीवेशन मेथड है फ्लेम मंत्रा, वो अपग्रेड होकर हाफ होली नहीं फुल होली लेवल तक जा सकता है। साथ ही ब्लड स्प्रेट आर्ट जो कि किंग हौरान ने जियान को दी थी, और अगर ये चीजें जिंगबुचेन को पता होती तो बंदा मौके पर ही बेहोश हो जाता। हालांकि तभी जिंगबुचेन कहता है हालांकि ब्रदर जियो ने कहा जो वो सही तो है, लेकिन ब्रदर जियो यान आप 4-star की पीक लेवल की पावर के साथ वास्तव में 2.5 semi होली रैंक की टेक्निक्स को समझ सकते हैं। साथ ही आप अपने एल्केमी लेवल और बैटल क्वीक कल्टीवेशन को भी एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि साबित करता है आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, और आपके पास जो कमिटेड बिहेवियर है वो नॉर्मल लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे तो दिल्ली दिल में बंदा जियान की काफी तारीफ कर रहा होता है, जब भी जियान कहता है ठीक है बस ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जियान ने यहाँ पे नौटंकी तो की थी, लेकिन तारीफ से तो जियान सेटिस्फाइड फील कर ही रहा था। एयर कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छे लगते हैं,
साथ ही जोयन अपना काफी ज्यादा शांत दिमाग वाला भी पर्सन था, इसीलिए वो ईगो में नहीं आता। साथ ही जो यान जानता था डाउडी कॉन्टिनेंट के अगर उसे एनिमीज से निपटना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। साथ ही ये देखकर कि जिंगबू चैन और भी कुछ कहना चाहता था, चैन उसे रोक देता है और इसके बाद कहता है चलो इस बारे में बात नहीं करते, अब फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस चीज को सेफ रखने की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कठिन है, वरना उनका इफेक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जो सुनकर जिंगबू चैन तुरंत अपनी स्टोरी से फ्रूट ऑफ लाइफ निकालता है। साथ ही उसके पास सैकड़ों फ्रूट ऑफ लाइफ होते हैं जो कि उसने जो यान को सौंप दिए होते हैं, जिसके बाद वो कहता है ब्रदर जो यान, हालांकि सभी लोगों ने मुझे बताया था कि फ्रूट ऑफ लाइफ काफी रेयर होता है लेकिन स्पीड में तो इतने सारे हैं। हालांकि ये सुनकर तो जो यान भी थोड़ा सा हैरान होता है कि साला इतने सारे फ्रूट इस पेड़ के अंदर कैसे थे, क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर जो यान को फ्रूट ऑफ लाइफ खरीदने के लिए मर्चेंट एलायंस की हेल्प लेनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो इन्हें नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि आखिरकार ये जो ट्री ओपन होता है या कि उगता है वो हाई टेम्परेचर और धूप वाले इलाके में होता है, इसलिए इसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही जो यहाँ पे एक ही अंदाजा लगाता है कि हो सकता है ये इस एल्यूजन के खतरनाक एटमॉस्फेयर के कारण होना चाहिए कि इस पेड़ के अंदर इतने सारे फ्रूट्स हुए थे। साथ ही जो ने देखा था यहाँ पे हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पर है, इसलिए ये भी समझ में आता था कितने सारे फ्रूट वास्तव में ग्रो हो पाए थे, जिसपे जिंगबू चैन भी खुशी से सहलाता है, क्योंकि कार्ड चाहे कुछ भी हो उनको काफी सारी फ्रूट्स ऑफ लाइफ मिल जाने के कारण खुश होना तो बनता था। तभी जिंगबू चैन कहता है वैसे भी बात सही है, आप जितनी ज्यादा फ्रूट्स आपके पास होंगे उतने ही ज्यादा रेजुवेशन पिल को रिफाइन कर पाएंगे और उसके बाद ही तो मैं मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ पाऊंगा। और ये सोचकर तो मेरे दिल में एक्साइटमेंट जाग उठता है, जिसपे जो यान तुरंत ही अपना से हिलाता और इसके बाद उन सभी फ्रूट्स को दर्जनों जड बोतल्स के अंदर रख देता है और उन्हें हेवनली यानी कि स्काई फायर से सेव कर देता है और उन्हें स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। यहाँ पे जिंगबू चैन जॉन की हरकतों को देख रहा होता है तो वो काफी हैरान होता है और उसे लगता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रूट ऑफ लाइफ स्काई फायर के अंदर प्रोटेक्ट रह सकता है, तो क्या इस तरीके से फ्रूट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए और उसे रखने के लिए स्काई फायर का होना जरूरी नहीं हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी सारी स्काई फायर कैसे हो सकती है, और ये बंदा कुछ भी सोचता है भाई, लिटरली कुछ भी नॉनसेंस थिंग्स। तभी जान उसकी तब देखते हुए स्माइल करता है और इसके बाद कहता है ये सच है, फ्रूट ऑफ लाइफ को स्काई फायर के अंदर प्रोटेक्ट रखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इसे स्काई फायर के अंदर ही प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। जो देखकर जिंगबू चैन कहता है तो फिर किसे और कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, जिसपे जॉन कहता है फ्रूट ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट रखने के लिए फायर जेट बोतल का यूज किया जाता है, और क्योंकि मैं इतनी सारी फायर जेट बोतल लेकर नहीं आया था इसीलिए मैंने अपनी फ्लेम से प्रोटेक्ट कर दिया, और क्योंकि फ्लेम से सील कर दिया तो फ्लेम एनर्जी इसके अंदर थी, बस इतना ही सब बात है। जो सुनकर जिंगबू चैन तुरंत ही कहता है वास्तव में ब्रदर जो यान आप काफी स्मार्ट है। हालांकि यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन लॉन्गी उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ पे रॉक विश ने अपनी बॉडी को ब्लास्ट किया था, और वो बस यही सोच रहा होता है कि क्या उसने अपनी बॉडी में ब्लास्ट किया तो उसके मैजिकल कोर को सेफ रखा जा सकता है या वो भी नष्ट हो गया होगा। दूसरी तरफ जिंगबू चैन को भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उस बीस्ट का मैजिकल कोर बचा हुआ होगा, इसलिए वो अपने सामने उड़ती हुई धूल की तरफ देखता है, जिसके बाद वो तीनों लोग आगे की तरफ जाते हैं तो अंदर के एरिया को देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ जहाँ वो ब्लास्ट हुआ था चट्टानें टूट गई होती हैं, और उस जगह पे जहाँ ब्लास्ट मेनली हुआ था और वो बीच था काफी बड़ा गड्ढा बन गया होता है जो कि पूरी तरीके से काला था, और कुछ देर के लिए ये बताना मुश्किल था कि अंदर क्या होगा। तभी वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं ये अफसोस की बात है, हमें नहीं लगता कि अब कुछ भी बचा हुआ होगा। हालांकि फिर भी जो यान अभी भी उम्मीद रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उस गड्ढे के अंदर की मिट्टी और धूल को हटाता है, जिसके बाद वहाँ के साफ एरिया को देखते हुए जोयान देखता है कि नीचे मकड़ी के जालों जैसे क्रैक फैले हुए थे, मानो जैसे हल्की सी हलचल के साथ ही वो जगह टूट कर बिखर जाएगी। साथ ही इस गड्ढे में रॉक ड्रैगन की कोई भी बॉडी नहीं थी, बट उसके चारों तरफ बिखरे हुए टूटे फूटे स्केल ये साबित कर रहे थे कि यहाँ पे वास्तव में 6 स्टार के मॉन्स्टर ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया है। तभी लॉन्गी भी जिंगबू चैन से कहता है वास्तव में इतने पावरफुल स्ट्रक्चर के साथ और डिस्ट्रक्शन के साथ वो कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया होगा, लेकिन इतने सारे फ्रूट ऑफ लाइफ के साथ हमें वास्तव में उदास नहीं होना चाहिए। साथ ही इस एल्यूजन के अंदर और भी 6 स्टार लेवल के बीस्ट होंगे, हम उनको मारकर उनके कोर हासिल कर लेंगे। तभी जॉन भी उन दोनों की पीठ को थपथपाता है। तभी जिंगबू चैन कहता है क्या ब्रदर जियो यान, हम यहाँ पे कुछ और भी ढूंढ सकते हैं, जिसपे जियो यान कहता है वैसे तो यहाँ पे कोर नहीं है और हमने फ्रूट ऑफ लाइफ को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हम एक चीज तो भूल ही गए, हम इस फ्रूट ऑफ लाइफ के ट्री को भी तो पूरा उखाड़ कर रख सकते हैं और इसे कहीं और प्लांट कर देंगे। जो सुनकर तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। तभी जिंगबू चैन कहता है लेकिन इसे यहाँ से उखाड़ते ही कहीं ये सूख ना जाए, और अगर ये नहीं भी सूखता तो हम इतनी ज्यादा धूप वाला इलाका पाएंगे कहाँ पे जहाँ हम इसे लगा पाए। हालांकि तभी जॉन कहता है फिर इस चीज को कैंसिल करते हैं और यहाँ पे कुछ भी अब लूटने जैसा नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद जो यान आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी जिंगबू चैन कहता है रुको, मुझे किसी ट्रेजर की स्मेल आ रही है। जो देखकर जॉन कहता है ट्रेजर की स्मेल। तभी लॉन्गी भी हैरान तरीके से जिंगबू चैन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम कुत्ते की तरह ट्रेजर को सूंघ सकते हो, इतनी मैजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है। लॉन्गी की बात को सुनकर तो जिंगबू चैन का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया होता है और वो तुरंत ही कहता है तुमने मुझे कुत्ता कहा,
और इसके बाद वो लोंगी और जोयान की शौक निगाहों के सामने उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है, जिसके काफी देर बाद वो हाथ में एक ब्लैक लाइट को पकड़े हुए धूल से सने हुए कपड़ों के साथ बाहर आ जाता है और उन दोनों को काफी हैरान तरीके से देखता है। तभी जोयान तुरंत ही कहता है, क्या ये रॉक ड्रैगन का हॉर्न नहीं है और इसका आधे से ज्यादा हिस्सा टूट गया है, तो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया क्या ये वही ट्रेजर है? तभी जिंग बुचन कहता है, तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है सातवीं फेल इंसानों, ये ब्लैक रॉक बीस्ट का सबसे तेज हथियार है, साथ ही उसकी बॉडी का पूरा एसेंस और अपना सबसे पावरफुल अटैक करने का सबसे अच्छा वेपन जो किसी भी पावरफुल आर्मर को तोड़ सकता है। जिसके बाद जिंग बुचन उस कटे हुए सिंह को देखते हुए कहता है, मैंने सोचा कि ये उस टाइम पे जलकर राख में बदल गया होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये खजाना वास्तव में अभी भी अनब्रेकेबल है। तभी लोंगी कहता, अगर ये इतना ही पावरफुल था तो रॉक ड्रैगन ने इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया क्यों नहीं, और साथ ही साथ ये तो इतना छोटा सा है, इसका यूज हम किस लिए कर सकते हैं? तभी जिंग बुचन कहता है, हालांकि ये ब्लैक हॉर्न काफी ज्यादा पावरफुल था और इसे जो यान के ऊपर अटैक करना चाहिए था, लेकिन ब्रदर जो यान की खतरनाक मूवमेंट टेक्निक और पावर को देखते हुए भला उसके पास इसका यूज करने का टाइम कैसे हो सकता था। जो सुनकर लोंगी तुरंत कहता, ओह ये तो सही है, पापा खतरनाक है। साथ ही लोंगी को भी अपनी बात पे एग्री होते हुए देखकर जिंग बुचन प्राउडफुल तरीके से अपने सिर को उठाता है और जोयान को अट्रैक्टिव स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, ये चीज बाकी लोगों के लिए बेकार हो सकती है, लेकिन ये मत भूलो कि मैं कौन सा वेपन यूज करता हूँ, वो है एक फ्लाइंग थ्रोइंग नाइफ। जैसे ये जोयान सुनता है तो दोनों ही लोग समझ जाते हैं, साथ ही उन्हें अच्छे से पता होता है कि जिस चीज को सिक्स स्टार के मैजिकल बीस्ट के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से खत्म नहीं किया गया वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। तभी जन कहता है, तुम इसे थ्रोइंग नाइफ कैसे बना पाओगे? तभी जिंग बुचन कहता है, हालांकि पावर के मामले में मैं आप जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बाकी के कामों में मैं काफी बढ़िया हूँ। हालांकि मैं काफी टाइम से आपकी और लोंगी की पावर से हैरान हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ पे कोई भी कंप्लीट चीज नहीं है, बिल्कुल इस ब्लैक हॉर्न के एसेंस के जैसे। साथ ही से हो सकता है कि पावरफुल स्वॉर्ड्स भी नुकसान न पहुंचा पाए, क्योंकि सिक्स स्टार भी इसे खुद नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई फायर सोर्स हो जो नाइन यंग फायर को प्रोड्यूस कर सकता हो तो इसे आसानी से रिफाइन और फोर्ज किया जा सकता है और एक आकार दिया जा सकता है। साथ ही मैं अभी एक बहुत प्रसिद्ध और पॉपुलर ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ, या कि वेपन रिफोर्जर को, जो नाइन यांग फोर्जिंग फायर को ढूंढ रहा है। साथ ही मैंने अभी सुना था कि उसके पास वास्तव में नाइन यांग फोर्जिंग फायर है, इसीलिए वो इस चीज को रिफाइन कर सकता है। जो देखकर जॉन कहता है, तब तो बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो तुम्हें वर्ल्ड रैंक की फ्लाइंग नाइफ की बैटल स्किन मिल गई, जो कि खुशी की बात है। इसके बाद अब तुम्हें हाई क्वालिटी का थ्रोइंग नाइफ भी मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, नाइन सन फायर या कि नाइन यांग फायर, क्या ये एक प्रकार की स्काई फायर है? ये सुनकर तो लोंगी भी क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि अगर ये बस्त नाइन सन्स फोर्जिंग फायर स्काई फायर थी तो जो यान के लिए यूजफुल हो सकती थी। तभी जिंग बुचन कहता है, नाइन सन फायर एक टाइप की मैजिकल फायर है जो कि स्काई फायर और हाई रैंक के बीस्ट फायर के बीच में मानी जा सकती है, और अगर मैं सही बोलूं तो ये स्काई फायर नहीं है लेकिन ये बीस्ट फायर से पावरफुल है। हालांकि लोंगी यहाँ पे कुछ कहना ही चाहता था कि तभी जिंग बुचन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, हालांकि ब्रदर जोयान के पास स्काई फायर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और कोई भी फ्लेम भला उसके कंपैरिजन में कैसे हो सकती है, लेकिन वेपन रिफोर्जिंग के लिए नाइन सन फायर को सबसे बेस्ट फायर माना जाता है, जिसे सिर्फ वेपन रिफोर्जिंग के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इससे पावरफुल या इससे लो लेवल की फायर आती है तो हो सकता है कि वो उन रिसोर्सेस को जला दे। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही लोंगी की तरफ देखता है और एक स्माइल पास करता है कि इस बार उसने लोंगी को हरा दिया था, जिस पर लोंगी तुरंत ही गुस्से से कहता है, आप तभी जान भी मुस्कुराते हुए लोंगी के कंधे को तपतवाते हुए कहता है, ठीक है चलो अब सामान पैक कर लो, यहाँ से चलने का टाइम हो गया। जिसके बाद जॉन यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक जॉन रुक जाता है और देखता है कि काफी सारे होल से बनी हुई एक चट्टान पर फ्रूट ऑफ लाइफ की काफी सारी टूटी हुई जड़ें फैली हुई थी, साथ ही इसे धीमी आवाज और एयर के फ्लो को सुना जा सकता था, और अगर कोई ध्यान से न देखे तो वो केवल यही सोचता कि चट्टान से गूंज रही आवाज है। लेकिन जोया जिसके पास अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर थी वो भला इतनी आसानी से क्यूरियस कैसे हो सकता था, इसलिए जॉन इसे ध्यान से सुनते हुए काफी क्यूरियस हो जाता है। दूसरा जिंग बुचन और लोंगी भी इसी तरफ अट्रैक्ट होते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तभी जोया उस चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वेंटिलेशन। जो सुनकर जिंग बुचन कहता है, क्या मतलब? क्या ये चट्टान खोखली है? या आपके कहने का मतलब कि फ्रूट ऑफ लाइफ इस चट्टान में बसा हुआ है? लेकिन तभी लोंगी भी इस चीज को देखता है तो वो भी वास्तव में काफी हैरान होता है, क्योंकि ये वास्तव में एक केव जैसी लग रही होती है, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, क्या ये एक नेचुरल केव हो सकती है जो यहाँ के सेल्फ डिस्ट्रक्शन और फ्लक्चुएशन के कारण अचानक से सामने आ गई हो, या हो सकता है ये हमेशा पानी के अंदर ढकी रही हो? तभी जिंग बुचन कहता है, इम्पॉसिबल, ये जगह तो काफी ज्यादा सन एनर्जी से भरा हुआ है,
यहाँ बटर कैसे हो सकता था? अगर यहाँ बटर होता तो क्या वो पहले ही भाप नहीं बन गया होता? क्या ब्रदर जी आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक केव है? जिसपे जान कहता है इसकी काफी पॉसिबिलिटी है, चलो चलकर देखते हैं। जो यान की आंखों में तो उसकी स्काई फायर जल रही होती है, जिसके बाद वो तुरंत ही एक पंच के साथ उस पत्थर पे अटैक करते हैं और उनके सामने एक गुफा सामने आ जाती है। साथ ही यहाँ पे आसपास एनर्जी काफी ज्यादा हॉट होती है और गुफा काफी गर्म। साथ ही गुफा का जो एंट्रेंस होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं था, ये लगभग 2 मीटर लंबा और चौड़ा होता है। साथ ही केव के एंट्रेंस गेट की जो वॉल होती है वो स्कारलेट रेड होती है। साथ ही जैसे ही जैसे कोई अंदर जाता जा रहा होता है ये रेड कलर और भी डार्क होता जा रहा होता है। तभी जिंग बुचन कहता है, ब्रदर जोयान वास्तव में मैंने सही कहा, ये गुफा पानी के कटाव के कारण तो नहीं बनी, लेकिन ये बस इतना है कि मैं ये नहीं बता सकता कि ये ह्यूमन द्वारा बनाई गई है या फिर नेचुरली बनी है। तभी लोंगी कहता है, तो इस केव के बारे में जानने के लिए चलो अंदर चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ पे कोई अच्छा सा ट्रेजर मिल जाए, क्योंकि वो यहाँ पे अंदाजा लगाने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी जिंग बुचन भी कहता है, चलो चलकर देख लेते हैं ये बच्चा सही है या नहीं। तभी जॉन कहता है, ये केव काफी गहरी लगती है, सभी लोग को सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद जॉन अंदर बढ़ते हुए काफी क्यूरियस होता है। तभी जिंग बुचन कहता है, मैं काफी क्यूरियस हूँ कि आपने इस जगह को कैसे एक्सप्लोर किया और आपको पता कैसे चला, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो उस जगह पर था जहाँ रॉक बीच ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया था। तभी जॉन कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मेरे सेंसेस नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे अचानक ये जगह फील हो गई थी। जिस पे जिंग बुचन भी थोड़ा जलसी फील करता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ये अफसोस की बात है कि मेरे पास न स्काई फायर है न वीस्ट फायर और न ही कुछ और, वरना मैं भी टाइम पास के लिए पिल रिफाइन करता और फ्यूचर में एक पावरफुल एल्केमिस्ट बन जाता, मेरे सेंसेस भी आपके जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते। तभी जॉन कहता है, टाइम पास के लिए पिल रिफाइनमेंट एल्केमिस्ट होना एक टैलेंट है, टाइम पास नहीं मेरे भाई, आपको पता भी नहीं होगा कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही एक पावरफुल एल्केमिस्ट बनना तो और भी ज्यादा मुश्किल। जो सुनकर जिंग बुचन कहता है, मैं एल्केमिस्टों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस मैं तो तुमसे थोड़ा सा शिकायत कर रहा था, और तुरंत ही अपना गला सिकोड़ लेता है और कुछ भी बकवास करने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद ये तीनों लोग केव के अंदर चलने लगते हैं, तो केव काफी ज्यादा खाली खाली फील हो रही होती है, यहाँ तक इतनी शांत कि वो अपने कदमों की आवाज भी सुन सकते थे। जिसके बाद इस केव के अंदर वो लोग काफी अननोन टाइम तक चलते रहते हैं और वैसे ही वैसे वो एक्सट्रीम सन एरिया से भी दूर हटते जा रहे थे, जिसके कारण टेम्परेचर कम होता जा रहा होता है। हालांकि कुछ मोड़ लेने के बाद वो केव के अंदर देखते हैं जहाँ कहीं से लाइट आ रही थी और एक गहरे लाल रंग की चट्टान का टुकड़ा होता है जो बिल्कुल बेजान डला हुआ होता है और उसे देखकर किसी की भी हार्ट बीट बढ़ सकती थी। तभी जिंग बुचन कहता है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, लेकिन मेरे दिल को काफी ठंडक फील हो रही है, मुझे नहीं पता कि इस गुफा का एंडिंग पॉइंट कितनी दूर है, साथ ही इतनी दूर तक चलने के बाद हमें कोई ट्रेजर क्यों नहीं मिला। तभी जॉन कहता है, मुझे भी नहीं पता कि गुफा का एंडिंग पॉइंट कितना ज्यादा दूर है। जो देखकर जिंग बुचन कहता है, आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा वीक है। जिस पे जॉन स्माइल करता है लेकिन जवाब नहीं देता, बल्कि जॉन अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाते हुए तुरंत ही उसके हाथ में स्कारलेट रेड कलर की फ्लेम जलने लगती है। उसकी फ्लेम जलने लगती है, रेड कलर की नहीं। साथ ही जो यान की फ्लेम की लाइट के साथ जॉन तुरंत ही कहता है, क्या तुम इसे देख सकते हो? और उसके बाद गुफा के चारों तरफ बिखरी हुई रोशनी की तरफ इशारा करता है, जिसके कारण पूरी केव के अंदर एक अजीब ही पावर फील हो रही होती है। साथ ही इसके अंदर काफी ज्यादा अपनी फोर्सफुल पावर होती है और कोई भी अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ आसानी से इसे पहचान नहीं सकता था। जो देखकर जिंग बुचन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स का रेस्ट हाउस हो और वो यहाँ पे सोते होते हो और अंदर कोई पावरफुल राक्षस या की मॉन्स्टर हो? और ऐसा सोचते हुए उसका चेहरा काला पड़ जाता है, जिसपे जॉन कहता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो अंदर चलो, हो सकता है बड़े खतरे का सामना करना पड़ जाए, और दूसरा यहाँ से चले जाओ, जैसे कि यहाँ से हम कभी आए ही नहीं थे। जो सुनकर जिंग बुचन कहता है, इसी तरीके से बाहर चला जाना वास्तव में ये थोड़ा सा बुरा नहीं है। इस टाइम पे भी लोंगी खड़ा होता है और उन दोनों को देख रहा होता है। उसने देखा था कि ये दोनों अब उसका थॉट सुनना चाहते थे, इसलिए लोंगी अपने दांतों को पीसते हुए पैर पटकता और कहता है, खतरे की तो मदर सिस्टर मैं एक कर दूंगा, मैं लड़ूंगा, चलो अंदर चलते हैं, हो सकता है कि हमें अंदर जाकर कोई ट्रेजर मिल जाए। तभी जान भी कहता है, सही कहा, हालांकि ये जगह पे सोर्स एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे कोई खतरा फील नहीं हो रहा। और इसके बाद जो यान भी स्माइल करते हुए केव के अंदर जाने लगता है और कुछ टाइम तक चलने के बाद ये केव के डीप एरिया तक पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे हल्की सी लाइट फ्लो हो रही होती है। जो देखकर जिंग बुचन हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तो आखिरकार ये केव एंड होने वाली है, मैं काफी क्यूरियस और देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। साथ ही इतने देर तक चलने के कारण बंदे का पेशेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, उसे नहीं पता था वो कितने दिनों से चल रहा है। साथ ही यहाँ चारों तरफ अंधेरा भी काफी ज्यादा था, इसलिए बंदा थोड़ा सा और भी परेशान था। जिसके बाद वो तीनों लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और उस लाइट वाले प्लेस की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनके सामने की चीज को देखकर वो पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहते हैं, इस केव के अंदर इतना बड़ा पेड़ का तना कैसे हो सकता है? या क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर पहले से ही काफी बड़ा जंगल हो और इस पेड़ ने एग्जिट गेट को पूरी तरीके से सील कर दिया हो?
तभी जॉन तुरंत ही हैवी जुआन रूलर को निकाल लेता है और जिंगबुचन और लोंगी भी जॉन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। उन्होंने देखा था यहाँ पे गेट को कवर करने वाला कोई भी पेड़ या चट्टान नहीं थी बल्कि एक गुफा ही थी जिसके बीच में यह काफी बड़ा पेड़ लगा हुआ होता है जो जमीन से गुफा के ऊपर टॉप तक जा रहा था। साथ ही हल्के रेड से क्राउन की तरह था जो केप के ज्यादातर भाग को कवर करके रखे हुए था। साथ ही इसकी जो चौड़ी पत्तियां थी वो फ्लेम की तरह जल रही होती हैं। जिसके बाद वो लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड से अंदर जाते हैं और इस बड़े पेड़ को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस पेड़ के पास दो बड़े से स्केल्टन हैं, जो देखकर जॉन कहता है मुझे नहीं पता इतने फ्लक्चुएशन से भरे हुए ये स्केल्टन कितने सालों से यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ इन दोनों भेड़िए के साइज के सिर वाले इस स्केल्टन के अंदर ह्यूमन सिर के साइज से दोगुनी साइज का मैजिकल कोल लटका हुआ होता है जो स्कारलेट रेड लाइट ग्लो कर रहा होता है, जो देखकर जॉन तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है ओह माय गॉड। और मैजिकल कोर की पावर से हो रहे फ्लक्चुएशन को देखकर जॉन हैरान होता है। जॉन समझ गया था कि इन कोर को 6 स्टार पीक या 7 स्टार स्टार्टिंग लेवल का होना चाहिए। साथ ही जॉन को पता था 6 स्टार के स्टार्टिंग और मिड रैंक के मैजिकल कोर पहले ही मार्केट के अंदर बहुत रेयर थे और एक साथ दो ऐसे ग्रेड के मैजिकल कोर पाना वास्तव में काफी बड़ा अचीवमेंट था। तभी जिंगबुचन कहता है नहीं ये 6 स्टार पीक नहीं बल्कि 7 स्टार के कोर हैं और कांपती हुई आवाज के साथ इशारा करता है और कहता है देखो सिर एक भेड़िया जैसा है और पूंछें 9 है जो कि एक मैच्योर 9-टेल वुल्फ की निशानी है, जो देखकर जॉन कहता है हाँ ये बात तो है। तभी जिंगबुचन कहता है मैंने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था कि जब 9-टेल वुल्फ मैच्योर हो जाता है तो उसकी पावर 7 स्टार पर होती है। साथ ही काफी अट्रैक्टिव होते हैं और हमेशा ही जोड़े में घूमते हैं और अगर उनमें से कोई भी एक मर जाए तो दूसरा अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर लेता है और अपनी जान दे देता है जैसा कि हम सब देख सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये 7 स्टार पर थे और इनकी पावर काफी ज्यादा थी तो भले ही इनकी डेथ काफी लॉन्ग टाइम बाद क्यों ना हुई हो ये अभी भी अपनी पावर के साथ और मैजिकल कोर की पावर के साथ ब्रदर जोयन की स्पिरिचुअल पावर को सील करने में काफी कैपेबल हैं। भला 6 स्टार का बीस्ट ऐसा करने में कैपेबल कैसे हो सकता था। जिस पे जोयन तुरंत ही अपना से हिलाता है और तालियां बजाकर हंसने लगता है और इसके बाद वो दोनों ही मैजिकल कोर निकालकर उन्हें स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वो लोग इस जगह के लेफ्ट राइट चारों तरफ एरिया को खोजने लगते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पे और भी कोई ट्रेजर मिल सकता है। आखिरकार 2 7-स्टार बीस्टों का रेस्ट हाउस इतना भी खराब नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पे उनकी खोज पूरी तरीके से बेकार निकलती है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जिससे लोंगी और जिंगबुचन काफी नाराज होते हैं और कहते हैं ये लोग 7-स्टार बीस्ट थे तो क्या इन्होंने अपनी जगह पर कुछ भी नहीं रखा, ये कैसा हो सकता है। यहाँ तक कि इन्हें तो ऐसी जगह को चूज करना चाहिए था जहाँ पे काफी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हो, ये बिना घास वाली जगह कैसे चूज कर सकते हैं। तभी जॉन कहता है शायद इस पेड़ में कुछ हो क्योंकि इस पूरे एरिया में केवल यही पेड़ बस हवा में लटका हुआ था। जिसके बाद जॉन कहता है हमने इस एरिया के चारों तरफ देख लिया, साथ ही 7 स्टार के कोर्स पहले ही काफी बड़ी चीज है लेकिन क्योंकि ये दोनों गार्डियन बीस्ट होने चाहिए जो इस जगह की रखवाली करते थे तो यहाँ पे केवल अब ये पेड़ ही बचता है। जिसपे सभी लोग इस पेड़ को देखते हैं तभी लोंगी कहता है ये पेड़ इतना बड़ा है न इसमें फ्रूट है न फ्लावर है केवल पत्तियां हैं तो क्या इनकी पत्तियों में कोई क्वालिटी होगी, साथ ही इस पेड़ में तो इतनी सारी हजारों लीफ हैं तो वो रेयर कैसे हो सकती हैं। साथ ही लोंगी ने कहा था जो वो सच भी था। साथ ही जॉन ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ बार बार पेड़ की पावर को स्कैन किया था लेकिन उसे फिर भी कुछ भी नहीं मिला। तभी जिंगबुचन भी कहता चलो एक बार और ट्राई करके इसे देखते हैं क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता था। जिसके बाद वो इस बड़े से पेड़ के तने को छूने के लिए वो आगे बढ़ता है जिसे 10 लोग भी एक साथ नहीं पकड़ सकते थे लेकिन तभी अचानक पेड़ की हरी ब्रांचेस और पत्तियों से सरसराहट की आवाज निकलती है जो कि तुरंत ही नीचे आकर मोटी मोटी ब्रांचेस के साथ पेड़ के तने को लपेट लेती है जैसे वो पेड़ की रखवाली कर रही हो, जो देखकर तो जिंगबुचन के इंप्रेशन बदल जाते हैं कि ये पेड़ भी मुझे कह रहा है डोंट टच मी। दूसरा लोंगी और जोयान भी ये देखकर हैरान होते हैं कि इस पेड़ में अपने आप बदलाव कैसे हो सकते हैं। साथ ही इस टाइम पे ब्रांचेस और लीव्स ने पूरी तरीके से तने को कवर कर लिया होता है और इस टाइम पे जॉन लोंगी और जिंगबुचन पूरी तरीके से हैरान होकर इसे देख रहे होते हैं। साथ ही 2 7-स्टार गार्डियन बीस्ट के केव के अंदर उन्हें नहीं पता था कि कितनी मिस्टीरियस चीज होगी इसलिए ये जल्दबाजी नहीं करते। जिसके बाद जॉन कहता है मुझे कौन बता सकता है कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। साथ ही देखा था उन तीनों ने कि इस पेड़ ने उन्हें नुकसान पहुंचाने का तो जरा सा भी इरादा नहीं दिखाया। दूसरा जोयान भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता था होने इंग जो अपने बॉडी के ट्रेजर के साथ अपने स्पिरिचुअल जोयान के स्पिरिचुअल पावर से बचने के लिए तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद ये दूसरी बार हुआ था कि जब इस ट्री ने उसे हैरान किया था और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ इसके बारे में पता नहीं लगा पाया था। तभी लोंगी तुरंत ही कहता है ये किलिंग ब्लड केव है जो सीक्रेट से भरी हुई है और हो सकता है कि यहाँ पे अजीब से म्यूटेशंस के कारण पेड़ भी चेंज हो गया हो और इसके अंदर भी म्यूटेशन हो गए हो, चलो इस पर अटैक करके इसे तोड़ देते हैं वैसे भी ये पेड़ क्या ही कर पाएगा। जिसके बाद जो लोंगी की बॉडी पे तुरंत ही लाइटिंग अपेयर हो जाती है और एक लाइटिंग आर्मर को क्रिएट कर देती है जो लोंगी की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। जिसके बाद लोंगी कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए तुरंत ही लाइटिंग बोल्ट्स को कंडेंस करता है जो कि सीधा ही इसे ट्री की पत्तियों की तरफ निशाना साध रहे थे। तभी जिंगबुचन कहता है लोंगी अलर्ट रहो अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है
तभी जॉन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्गी की प्रोटेक्शन के साथ उसे नॉर्मल अटैक चोट नहीं पहुंचा सकते। साथ ही जॉन की आंखें यहाँ पे पेड़ की हर एक मूवमेंट को देख रही होती हैं, जिसके बाद लॉन्गी तुरंत ही एक ब्रांच के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक वास्तव में उसे ब्रांच से टकरा कर वापस से पीछे की तरफ चले जाते हैं और उसे ब्रांच को हल्की सी भी चोट नहीं लगी होती, केवल जमीन में कुछ पत्तियां गिरी हुई होती हैं, जो देखकर जियो यान जिंगबुचान और लॉन्गी हैरान होते हुए कहते हैं एक ट्री की ब्रांच में इतनी पावरफुल डिफेंस पावर कैसे हो सकती है। वास्तव में लॉन्गी भी उस ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल नहीं है। इस टाइम पे तो उन दोनों का तीनों का जो कॉन्फिडेंस होता है पूरी तरीके से हिल गया होता है। दूसरी तरफ जियो यान भी हैरान होता है और कहता है ये किस तरीके का ट्री है, क्या जैसा कि लॉन्गी ने कहा इस ट्री के अंदर सच में कुछ म्यूटेशन हो गए हैं और नॉर्मल ट्रीज के कंपैरिजन में ये अलग हो गया है। हालांकि तभी उस ट्री से अचानक से एक दहाड़ने की आवाज आती है, जैसे कोई पर्सन धीमी आवाज में दहाड़ रहा हो, और इसके बाद ट्री से काफी सारी ब्रांचेस आगे की तरफ बढ़ती है। तभी जॉन लॉन्गी को रोकते हुए कहता है चलो मुझे ट्राई करने दो, और इसके बाद जॉन के हाथ में ब्लू ग्रे फ्लेम आ जाती है, जिससे जॉन सबसे पहले आ रही ब्रांच की तरफ अटैक करता है, और जॉन की फ्लेम से टच होते ही ये ब्रांच तुरंत ही काले पाउडर में बदल जाती है, जो देखकर बाकी की ब्रांचेस तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं, जैसे ये जो जॉन की फ्लेम से काफी डरती हो। साथ ही पांचों एट्रीब्यूट एक दूसरे को लीड करते थे और कंट्रोल करते थे, जहाँ पे आग लकड़ी को कंट्रोल करती थी, इसलिए जॉन इस सीन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी फ्लेम यहाँ पे इस बोर्ड के सामने इसे हराने में कैपेबल है और रिलैक्स भी फील करता है। जिसके बाद जॉन कहता है लगता है ये कोई एक नॉर्मल ही ट्री है, जिसपे जिंगबुचान भी कहता है वास्तव में ये ऐसा ही होना चाहिए, और उसके दिल की भी बेचैनी कम हो गई होती है। जिसके बाद जोयान अपनी फ्लेम से इस ट्री को जलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे लाल पत्तियां तुरंत ही पीली हो जाती हैं और इसकी ब्रांचेस से जलने की स्मेल आने लगती है। तभी एक बार फिर से पावरफुल रोर की आवाज आती है, और इस बार गुस्सा नहीं बल्कि घबराहट झलक रही थी, जिससे जॉन अपनी ग्रिलिंग को और भी तेज कर देता है, जो देखकर वो ट्री जो यान की तरफ अटैक करता है, लेकिन जॉन जरा सा भी डॉच नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी फ्लेम जो यान की बॉडी को कवर कर लेती है, और यहाँ पे जो यान की फ्लेम ने इस ट्री को जलाते हुए पहले ही फ्लेम से घेर लिया होता है। जिसके बाद जॉन कहता है मुझे देखने दो तुम और क्या कर सकते हो, और इसके बाद जॉन अपने फ्लेम को वापस लेते हुए ट्री को देखता है जो कि जल रहा होता है। तभी उस तने से घबराने की आवाज आती है और तुरंत ही ब्रांचेस आग बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अफसोस की बात थी कि स्काई फायर की फायर को कोई भी नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसके सारे एफर्ट बेकार हो रहे होते हैं। तभी जिंगबुचान कहता है ये पेड़ जलकर राख में बदलने वाला है, तो चलो इसके आग बुझने तक का वेट करते हैं और देखते हैं कि इसके जलने के बाद अंदर क्या होगा। तभी लॉन्गी भी अपने लाइटिंग स्पेयर को जमीन में गड़ाकर वहीं पे बैठकर सामने का सीन देखने लगता है। हालांकि तभी उन तीनों ने ये सोचा कि बैटल एंड हो गया कि वो देखते हैं कि पेड़ से अचानक ही ब्लू कलर की लाइट निकली थी, जिसने सभी ब्रांचेस को ढक लिया था, और वहाँ पे वो लोग हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर या कि नमी फील करते हैं, जो देखकर जिंगबुचान खड़ा होते कहता है क्या बात है। उसे विश्वास नहीं था कि इस ट्री के आसपास इतना खतरनाक और स्ट्रॉन्ग वाटर एट्रीब्यूट आ जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही कहता है इतना पावरफुल वाटर एट्रीब्यूट ये कैसे पॉसिबल है। साथ ही जॉन जो कि पेड़ के काफी नजदीक खड़ा था, उसने सबसे पहले से फील किया था कि ये जो वाटर फॉग है वो काफी स्पीड से कंडेंस होती जा रही है, जिसके कारण जॉन की स्काई फायर की पावर वीक होती जा रही है, जो देखकर जो यान भी कहता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो जिंगबुचान से ज्यादा हैरान था आखिरकार कोई चीज स्काई फायर को सप्रेस कर दे, ये तो हैरानगी की बात थी भाई। हालांकि तभी वो ब्लू फॉग कंडेंस होते होते क्लाउड में बदल जाती है और पेड़ के ऊपर पानी बरसता है, जिससे आग बुझ जाती है, और यहाँ पे अंत में झुलसे हुए ब्लैक कलर से ही ये बताया जा सकता था कि यहाँ पे आग लगी थी। बारिश के खत्म होने के बाद वो पेड़ गुस्से में जॉन और बाकी लोगों पर अटैक नहीं करता, बल्कि उसकी ब्रांचेस और लीफ कांप रही होती हैं, और यहाँ पे जोयान और उन तीनों को नहीं पता था कि उनका इल्यूजन है या कुछ और, उन्हें ये पेड़ डरा हुआ लग रहा होता है। इस टाइम पे पीक ट्री के अंदर की स्पिरिचुअलिटी स्काई फायर को सप्रेस करने वाली वो बारिश पेड़ के अंदर की सुनाई देने वाली आवाजें वो तीनों लोग हैरानगी से वहीं पे खड़े रह जाते हैं। तभी जिंगबुचान कहता हमें क्या करना चाहिए, ये वास्तव में अजीब है एक नॉर्मल ट्री के अंदर वाटर रोबोट दो एट्रीब्यूट है। तभी जॉन कहता है इस पेड़ की हमसे कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ट्री के अंदर आखिरकार कैसी एनर्जी है जो मेरी स्काई फायर को बुझा सकती है। जिसके बाद जो यान कमिटेड तरीके से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में स्काई फायर कंडेंस होती है, जो कई मीटर ऊंची होती है और आसपास तुरंत ही केव को कवर कर लेती है। साथ ही इस टाइम पे स्काई फायर अपनी एक्सट्रीम लेवल और फुल पोटेशियम के साथ अपेयर हुई थी, और जॉन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि यह बड़ा सा पेड़ इस झटके का सामना कर पाएगा। साथ ही पेड़ को भी एहसास हो गया था कि जॉन की फ्लेम सब कुछ जला सकती है और इसके सामने उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं, इसलिए उसकी पूरी ब्रांच और पत्तियां कांपने लगती हैं। साथ ही जॉन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो पेड़ अब अपने आप को रोक नहीं पाता और तुरंत ही ब्लू कलर की वाटर लेयर तुरंत ही पेड़ की सारी ब्रांचेस को कसकर लपेट लेती हैं। साथ ही वहीं पे एक एनर्जी बैटल एक्स क्रिएट होती है, जो सीधा ही जॉन के सिर की तरफ बढ़ जाती है। हालांकि वो वाटर बैटल एक्स जॉन के सिर की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन जॉन के सिर के ऊपर तो लिटिली सो रहा होता है, और वाला वाटर स्काई फायर को चैलेंज कैसे कर सकता था। इसलिए लिटिली के नजदीक पहुंचते ही अचानक लिटिली की बॉडी से फ्लेम्स अपीयर होती हैं और वो वाटर वहीं का वहीं भाप में बदल जाता है। साथ ही लिटिली की बॉडी की फ्लेम जो यान की बॉडी को भी कवर कर लेती है, जिसके कारण जॉन जहाँ पे खड़ा होता है
वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है और ये अनब्रेकेबल आर्मर के जैसे हो जाता है लिटिली की फ्लेम का बैरियर। साथ ही ट्री की तरफ से आ रही बटर बेब जो यान और लिटिली के 3 मीटर दूर पर ही सिकुड़ गई होती है। साथ ही ये देख कर किए ट्री वास्तव में लिटिल और जो यान की पावर को रोक नहीं पा रहा और कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पा रहा, वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जिसके बाद जो यान ऊपर स्काई फायर को देखता है जो वाटर के साथ बराबरी से फाइट कर रही होती है। तो यान काफी क्यूरियस होते हुए कहता है अगर कोई इस लेवल तक वाटर को यूज कर सकता है तो या तो उसके पास वाटर एट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर वाटर एट्रीब्यूट की काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की समझ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ट्री वुड एट्रीब्यूट के साथ पैदा हुआ लेकिन इससे वाटर एट्रीब्यूट को कल्टीवेट कर लिया हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस टाइम पे तो यार और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। जॉन वास्तव में देखना चाहता था कि आखिरकार ये ट्री छुपा क्या रहा है, इसलिए जॉन काफी आराम से पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर तो ट्री काफी नाराज होता है। ये देखकर ट्री तुरंत ही अपनी पावर को अनलिस्ट करता है और जमीन से उसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं। साथ ही ये ट्री काफी हजारों सालों से यहाँ पे था, इसलिए उसकी जड़ों ने तो इस एरिया को घोंसले की तरह बना रखा था, इसलिए उन जड़ों के कांपने के कारण यहाँ की चट्टाने और जमीन ढह जाती है और काफी बड़ा गड्ढा बनने लगता है। तभी जो यान कहता है क्या तुम लोगों ने देखा, ये वास्तव में वीक नहीं है, इसने जो पावर दिखाई काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये थोड़ा सा डरपोक है और फाइट करने से डरता है। या तो इसके एक या दो रीजन हो सकते हैं, पहला या तो इसको अभी अभी बुद्धि मिली है यानी नॉलेज या दिमाग जिसके कारण इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये फाइट करने में अच्छा नहीं है इसलिए ये केवल डिफेंस कर रहा है। तभी जिंग बूचन कहता है वास्तव में मैं इस ट्री को तो अब यहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना चाहूंगा मिलके मेरे गेट के गेट कीपर के तौर पर, ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका ये यूज काफी अच्छा होगा। साथ ही वो काफी क्यूरियस भी होता है कि इस ट्री के अंदर कौन सा म्यूटेशन होगा और कौन सा ट्रेजर होगा। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो को आगे एक्सप्लेन करता हूं तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। लैपटॉप पे ज्यादा लाइट नहीं है, लाइट हालांकि अभी अभी आई है बट ये फिर चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे जोर की हो रही है बारिश, और ये लाइट ये वीडियो मैंने लिटरली बिना लाइट के बनाया और मच्छरों ने जितना मुझे काटा है और लैपटॉप की लाइट के कारण वो छोटे छोटे काले कीड़े कसम से कोबरा परफ्यूम की स्मेल दे रहे थे। खैर इसे देखो और लाइक से सब्सक्राइब करो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। ये लो लाइट चली भी गई, मैंने बोला ही था ना कि आई है और चली भी जाएगी। तो टाटा बाय बाय, सी यू।